वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने कई नए रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। विदेशी दौरे पर बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान सौरव गांगुली सबसे सफल रहे हैं। भारत के लिए 49 टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले सौरव गांगुली को भारत के सबसे सफल कप्तानों की सूची में गिना जाता है। साल 2003 में वर्ल्ड कप में गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया था। यूं तो गांगुली के जीवन से जुड़े अनेक किस्से हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसमें गांगुली के सर पर बंदूक तान दी गई थी। क्या था ये किस्सा, आइए जानते हैं। गांगुली ने अपना पहला टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ साल 1996 में किया था। बीफ्स क्रिकेट टेल्स नामक एक किताब में दादा ने उस दौरे पर घटी एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसे वे कभी नहीं भुला पाएंगे। दरअसल मैच के बाद गांगुली नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इंग्लैंड घूमने के लिए निकले थे। इस दौरान ट्रेन में उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो बिल्कुल भी होश में नहीं थे। अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर के दौरान सौरव गांगुली के सामने वाली सीट पर दो लड़के और तीन लड़कियां बैठकर शराब पी रहे थे और साथ ही वे जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे। इस दौरान उन्हीं में से एक लड़के ने सौरव गांगुली के मुंह पर बियर का केन फेंका। गांगुली ने इस किताब में लिखा कि उन्हें लगा कि वह उनकी इस हरकत पर किसी तरह का रिएक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गांगुली के मुताबिक वे चुपचाप बोतल को साइड में रखकर बैठ गए और वहां से चलने की बात करने लगे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को उन लड़कों की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और वे उनसे उलझ गए। सिद्धू ने उनसे काफी देर तक बहस की, जिसके बाद गांगुली ने उनसे दूसरे कंपार्टमेंट में चलने के लिए कहा। गांगुली की बात सुनते ही एक लड़का भड़क गया और उसने गांगुली के सर पर बंदूक तान दी। गांगुली ने लड़के को धक्का देकर वहां से भागना ही बेहतर समझा। गांगुली ने किताब में लिखा कि बंदूक देखकर एक पल तो उन्हें ये लगा कि आज इसी ट्रेन में उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उस समय डरा देने वाला ये किस्सा आज सौरव गांगुली सबको हंसकर बताते हैं। सौरव गांगुली क्रिकेट के सभी फॉर्म से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन फैंस के दिलों पर वो आज भी राज करते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में दादा सौरव गांगुली को विश करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।